हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों। मैंने एक केक बनाया है, इसके लिए मैंने पार्ले जी बिस्किट का यूज़ किया है और मैंने मिश्री लिया है चीनी की जगह। ये आटा है 1 कटोरी और बटर है, और इसको मैं छोटी वाली कटोरी में बनाऊंगी। मैंने मलाई भी लिया है 1 छोटी कटोरी और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये बिस्किट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी और बिस्किट पड़ा था, कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका केक बना देती हूँ। इसका मैं देखिए मैंने दूध भी लिया है, इसमें दूध डालूँगी। पहले बिस्किट, फिर दूध, 1 छोटी गिलास कमी था उससे, ये मलाई मैंने डाल दिया, बटर डाल देंगे 2 छोटे टुकड़े स्लाइस के, और ये मैंने ताड़ मिश्री लिया है जो बच्चों को दिया जाता है, बच्चे खाते हैं, ये अच्छा होता है, नुकसान नहीं करता है। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। अब आटे में मैं इसको अच्छे से फेंट दूंगी। ये बहुत टेस्टी बना था, एक बार मैंने बनाया था तो, लेकिन उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो आज मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया था। बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे और आटा है तो नुकसान भी नहीं करेगा। थोड़ा सा मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, दोनों को थोड़ा थोड़ा डाला है। एक मीठा खाने वाला सोडा था और एक बेकिंग पाउडर था, चुटकी चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, चलाएंगे भी तो एक ही तरफ से। इसमें मैं बटर लगा दूंगी कटोरी में। मेरे पास एसेंस नहीं था तो, नहीं तो आप वो भी डाल सकते हैं तो अच्छा आएगा खुशबू। तो मैं कटोरी में भर दूंगी। मैंने ये कढ़ाई रखी थी गैस पर गर्म होने के लिए, जो गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐसे ही रख दूंगी, नमक नहीं रखेंगे क्योंकि कढ़ाई जो है वो मोटी है और बहुत अच्छा ऐसे ही बन जाएगा बिना नमक के। मैं यहाँ 2 ढक्कन से ढक रही हूँ, एक नीचे और एक ऊपर। 15 मिनट लगा इस केक को बनने में, 15 से 1-2 मिनट कमी था, 13-14 मिनट में केक मेरा रेडी हो गया। देखिए मैंने इसको चेक किया तो ये चाकू में चिपक नहीं रहा था, ये हो चुका है। अब इसको निकाल लूँगी।
यहाँ मैंने तीन भाग में सब बना लिए। 8 कटोरी केक बना मेगा। इसको मैं निकालूंगी, देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। स्पंजी भी बना है। इसको हम सारा निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद।